friends, welcome back to channel. That is Sagar's Life, our channel name. So in today's video, we are going to install the mobile holder plus charger on my RR310. There is one reason for installing the same on my bike. You will get to know in next two videos. Do watch that vlog. I'm sure you're gonna enjoy that. So first of all, let's do the unboxing. I ordered the same from AliExpress.com. If you guys want, I will provide the link in description box. इसको ऑर्डर करके ऑलमोस्ट 2 साल हो गए. I ordered for my Gixxer, but I did never use it on Gixxer, and now I need it for my next big ride. So that's why I'm installing the same. So अंदर क्या क्या है, बॉक्स पॉज में रख देता हूँ. This is the extra grip and side के 2 holders है extra. Good. And this is the main unit. तो ये है मोबाइल होल्डर प्लस चार्जिंग ऑप्शन. चार्जिंग वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है 5 वोल्ट/2 एम्पीयर्स, और ये कनेक्ट होगा ऐसे बाइक के ऊपर, वो मैं आपको दिखा दूंगा. और ये इजीली मोबाइल भी है. द रीजन आई चूज दिस वन बिकॉज इसके साथ जो आती है केबल, वो डायरेक्टली 1 पीस रहती है यहाँ पे, और डायरेक्टली ऑप्शन रहता है अपनी बाइक की बैटरी को कनेक्ट करे. मगर आई चूज दिस मॉडल. ये जो केबल कनेक्टिविटी है, इससे हम इसको इजिली रिमूव कर सकते हैं. दैट मीन I can remove this holder from my bike anytime when I want. वीडियो में आगे पता ही चल जाएगा कैसे मैं इंस्टॉल करूंगा और कैसे रिमूव कर दूंगा इस चीज को. देखते हैं जो एक्स्ट्रा पैकेज जो हमको दिया हुआ. सो ये है एक्स्ट्रा रबर ग्रिप्स, इनके आपकी ये निकल जाती है तो आप यूज कर सकते हो. 2 पीसेस दिए है, विच इज वेरी गुड. और ये है रबर ग्रिप, यहाँ पे है 3 mm की टेप, और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. वो भी आप देख सकते हो, 2-2 पीस है. इनकेस एक खराब हो जाता है आपका, तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं. एक ही चीज है यहाँ पे कि इसके साथ जो रबर ग्रिप आता है वो इसके साथ नहीं है, बिकॉज जस्ट आई सेड इन अर्लियर इन दिस वीडियो, आई ऑर्डर द सेम लास्ट 2 ईयर बिफोर. सो दैट्स व्हाई उस टाइम इसके साथ वो रबर ग्रिप नहीं आती थी. एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर माय मोबाइल होल्डर. द ओनली पर्पज इज टू इंस्टॉल इट टू चार्ज माय मोबाइल. फॉर मोबाइल होल्डर आई एम गोइंग टू यूज माय टैंक बैग. सो लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन. सो फॉर इंस्टॉलिंग दिस मोबाइल होल्डर ऑन बाइक, वी गोइंग टू रिक्वायर सीजर, इलेक्ट्रिक टेप एंड दिस वायर, बिकॉज इसकी कनेक्टिविटी में कैसे करने वाला आपको दिखा देता हूँ. आई एम गोइंग टू इंस्टॉल इट ओवर हियर. सो ये जो कम्प्लीट वायर का सेट है वो होल्डर के साथ ही मैं टाई कर दूंगा हैंडल बार पे, और इस वायर के आगे ये वायर अटैच करके इसकी कनेक्टिविटी बैटरी तक लेके आऊंगा. सो व्हेन एवर डोंट नीड इट मोबाइल होल्डर, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो ऐसे ये कम्प्लीट सेट आई कैन रिमूव इट फ्रॉम माई बाइक. तो आपको भी ये फोन होल्डर दिखा देता हूँ कैसे है. सो इसको बाइक के ऊपर माउंट करने के लिए ये होल दिए गए, और इस स्क्रू को आप लूज करके इसको इस होल्डर में से रिमूव भी कर सकते हैं. वो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, और इन केस यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, विच इज़ गुड. सो नॉर्मली क्या होता है, हम प्रेफर नहीं करते इन मुंबई सिटी टू कीप दिस होल्डर विद बाइक, यू नो 99% चोरी आने के आसान रहते हैं. सो इट्स बेटर वी कैन रिमूव इट व्हेन एवर वी डोंट वांट इट. सो बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, जब मैं इसको यहाँ पे माउंट करूँगा अटैच करके, तो ये जो फोन होल्डर है वो यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा. आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, उसकी हाइट ऊपर नीचे करके इसको यहाँ पे रख के फिर ऐसे कर सकते हो, इसको पीछे की तरफ लेके जा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो. तो आई थिंक विच इज़ वेरी गुड थिंग. सो ये 360 डिग्रीज रोटेड होता है. सो फॉर ओपनिंग दिस स्क्रू यू नीड 8 mm स्प्रॉकेट. तो इसको ओपन कर लेता हूँ. सो यहाँ से रिमूव हो गया. और भी ऑप्शन है, आप फोन होल्डर को यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे भी स्क्रू का ऑप्शन दिए गए. इन फ्यूचर आपको मिरर माउंट करने हैं तो यहाँ पे भी होल है, सेम होल. तो आपको उसका स्क्रू हेड लेना पड़ेगा, और फोन होल्डर आप यहाँ पे माउंट कर सकते हो. एज आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट रेगुलरली, ओनली फॉर माय 1 वीक राइड, आई एम प्रेफरिंग दिस होल. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर इस माउंटिंग, होल्डर को इस ब्रैकेट में से रिमूव कर देता हूँ, एंड ये बैठ जाएगा ऐसे. मेक श्योर आप इसको ज़्यादा टाइट नहीं करें, अदरवाइज इसके थ्रेड खराब हो जाने के बाद आपका क्लच ऊपर नीचे हो जाएगा. ये हो गया टाइट, देख सकते हैं आप, हिल नहीं रहा है. अब हमें इस चीज़ को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ. जो एडजस्टमेंट नट है वो अंडर के साइड प्रेफर करेंगे हम, बिकॉज यहाँ पे रह के आपको स्विच ऑपरेट करने में दिक्कत होगी. तो उसको मैं यहाँ पर मूव कर दिया, ये चीज़ यहाँ पर बैठ गई. और ये जो होल्डर है कि इस डायरेक्शन में माउंट कर लेता हूँ, तो जो चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो अंदर की तरफ आएगा. सो आई कैन इजीली कनेक्ट माय फोन.
तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसको थोड़ा टाइट कर लेता हूँ मैं। इसको तो मैंने पूरा टाइट कर लिया है, तो अब ये बहुत ही मजबूती से बैठ चुका है बाइक के ऊपर, हिल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कितने ताकत से मैं हिला रहा हूँ, फिर भी नहीं हिल रहा है। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, तो आपका फ़ोन यहाँ पे चला जाएगा इस डायरेक्शन में। सो ये सब वायर मैंने एक जगह पे टाइट कर लिया है, बिकॉज आई वेन और आई एम गोइंग टू रिमूव दिस फोन होल्डर, वायर भी रिव्यू होनी चाहिए। इस तरह से इसको टाइट कर लिया है मैंने। सो यहाँ पे केबल होल्डर ये था ही बाइक के ऊपर, सो इसी को मैं टाइट कर लूँगा इस एरिया में। सो ये केबल यहाँ पे बैठ चुके है। स्टार्ट द अनदर वायरिंग पार्ट। सो फॉर बीइंग वायरिंग पार्ट हमें ये सीट रिमूव करनी पड़ेगी, बिकॉज इसके नीचे अपनी बाइक की बैटरी है। सो फॉर रिमूविंग दिस सीट आपको पहले एक सीट रिमूव करनी पड़ती है। सीट में भी आपको कुछ स्पेशल दिखा ही नहीं, इन नेक्स्ट वीडियो आपको दिखा दूंगा क्या क्या मॉड किए हैं मैंने सीट के ऊपर। सो ये हमारी बैटरी। ऑल्सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर है, वो वायर किस चीज़ की है वो आपको दिखा देता हूँ। जो चीज़ में हमें लास्ट टाइम सक्सेसफुल नहीं हुई थी वही चीज़ है। लेट मी शो यू द ड्यूअल टोन हॉर्न्स आर बैक ऑन माई बाइक। अब और आप देख सकते हो इस बार आई हैव इंस्टॉल दिस रिले, पॉश रिले, उसकी वजह से ये परफेक्टली काम कर रहे हैं। चलो आपको एक बार साउंड सुना देता हूँ, एंड लिसन द साउंड, होप यू गाइस लाइक इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वायरिंग पार्ट। तो उसके लिए अभी ये जो एक्स्ट्रा वायर है, उस वायर के दो पार्ट्स यहाँ पे कनेक्ट करके सेम वायर यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगा और डायरेक्टली कनेक्शन कर दूंगा, वन फॉर नेगेटिव वन फॉर पॉजिटिव। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, आप नेगेटिव कनेक्शन बैटरी के इस नेगेटिव पोल पे रख सकते हो और जो पॉजिटिव कनेक्शन है वो आप इस फ्यूज होल के जो सेकेंड वन ऑप्शन है, ये जो 10 है दैट इज यूज फॉर हॉर्न एंड हेडलाइट, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। उसका कनेक्शन करना है तो उसके लिए आपको इस पूरे फ्यूज बॉक्स के नीचे की तरफ वायर ऐड कर देनी है। सो जो प्लस वायर रहेगी वो इस फ्यूज के नीचे चले जाएगी। सो बाय डूइंग दिस कनेक्टिविटी ऑप्शन थ्रू फ्यूज, उससे अब क्या होगा, व्हेनेवर आपकी बाइक बंद होगी आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। बट जिस तरह से मैं कनेक्शन करने वाला हूँ, दैट मीन डायरेक्टली गोइंग टू कनेक्ट टू द बैटरी, उससे ये चार्जर हमेशा के लिए ऑन ही रहेगा। बट टू अवॉइड दैट वी हैव वन स्विच ओवर हियर। सो अगर ये स्विच मैं ऑफ ही रखता हूँ, यहाँ पे एक स्विच है आप देख सकते हो, ये हो गया ऑन, ये हो गया ऑफ। मैं आपको दिखाई दूंगा जैसे कनेक्शन ऑन हो जाता है यहाँ पे ब्लू LED फ्लैश होने चालू हो जाती है। सो इससे प्रीफर रहेगा यहाँ से हम कनेक्शन ऑफ रखेंगे, सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी डायरेक्टली ऐसे कनेक्शन करने से। बट मेक श्योर आप आइसोलेटेड एरिया में बाइक पार्क मत रखिए, अदरवाइज वेन एवर यू कमिंग बैक टू योर बाइक की बाइक की बैटरी पूरी ड्रेन हो जाएगी। आप यहाँ से भी कनेक्शन कर सकते हो, बट एज आई सेड आई एम गोइंग टू डू इट ओनली फॉर माई अपकमिंग राइड, उसके बाद मैं रिमूव कर दूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क विद द फ्यूज, बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो पास में बिकॉज ऑफ इंस्टॉलिंग दिस ड्यूअल हॉर्न मेरा एक फ्यूज उड़ चुका था। सो फॉर दिस टाइम टू अवॉइड ऑल दिस रिस्क आई एम गोइंग टू डू इट डायरेक्ट कनेक्शन टू द बैटरी। सो वायर का कनेक्शन करने के लिए हमको यहाँ से डालने के बाद ये वायर यहाँ से पुल करके यहाँ तक लेके आएंगे। लेट मी शो यू, जो वायर यहाँ से मैं इनपुट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं वायर यहाँ पे दिख रही है। तो नाउ इसे हाथ डाल के यहाँ पे खींच लेते हैं। सो ये वायर यहाँ से आ चुकी है, ये ऐसे, अब इसको ऊपर की तरफ से लेनी है हमें। सो ये अंदर ऊपर की तरफ आ गई, अब यहाँ से भी अंदर की तरफ ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं वायर यहाँ पे आ चुकी है, ये इतनी वायर बस हो गई। तो हिसाब से ये एक वायर का ऑप्शन हो गया यहाँ पे। ऐसी सेम फॉर नेगेटिव कनेक्टिविटी ऑल्सो वी हैव टू इंसर्ट अनदर वायर। सो आपको मिलता हूँ सेकेंड वायर भी पुल करने के बाद। सो आप देख सकते हो ये जो वायर के एंड है उसको मैं प्लास्टिक रिमूव कर दिया, कॉपर आर विजिबल नाउ। सो इसको एनी वेज कोई भी यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए और उसी को वहाँ पे अटैच कर लीजिए। मेक श्योर आप पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन आप ब्लैक विल भी नेगेटिव, रेड विल पॉजिटिव। सो जो भी वायर आप कनेक्ट कर रहे हो पॉजिटिव को, मेक श्योर आप यहाँ पे भी उस वायर का जो एंड है वो पॉजिटिव को कनेक्ट करें बैटरी की। पहले ये कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, इसको इलेक्ट्रिक टेप लगा देता हूँ। सो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक टेप मैंने लगा दी है वायर के ऊपर। सो ये कनेक्शन होने वाला है इसके अंदर, मगर उसके पहले भी ये वायर जो आ रही है उसको प्रॉपरली यहाँ पे
अरेंज कर लेना है मुझे। यहाँ पे एक वायर टाई लगाना पड़ेगा और इसी जो वायर कनेक्शन है उसके अंदर डाल दूंगा, तो वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन रिमूव द सेम फ्रॉम दिस अडाप्टर। यहाँ पे कनेक्ट हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द कनेक्शन ऑप्शन ऑन अनदर साइड। पॉजिटिव कनेक्शन कनेक्ट करना है, उसके लिए स्क्रू रिमूव कर देता हूँ मैं। इसी तरह पे वो कनेक्शन करना है। बिफोर कनेक्टिंग वायर डायरेक्टली पॉजिटिव पोल, एक बार इस वायर को यहाँ पे टाई कर लो। सो इट्स बेटर कभी आगे से वायर खींचने के बाद यहाँ से डायरेक्टली बैटरी से कनेक्शन रिमूव ना हो जाए। वो फिक्स हो गए। अब ये है पॉजिटिव जो उसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे टाइट कर लीजिए ताकि इसका शेप परफेक्ट राउंड हो जाए। अब स्क्रू को बैटरी में डाल लेता हूँ मैं। फिर वायर तो कनेक्ट कर दी यहाँ पे, इसकी कैप ऊपर प्रॉपरली कनेक्ट कर लेते हैं। मेक श्योर परफेक्टली कवर रहे। सो ये हो गया पॉजिटिव। आप देख सकते हो टोटल कनेक्शन कवर है। नेगेटिव कनेक्शन भी यहाँ पे कर लिया मैंने स्क्रू को। स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ। सो ये हो गया नेगेटिव कनेक्शन। ये भी वायर मैंने यहाँ पे टाई कर ली थी ताकि ये हिले नहीं। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम कनेक्टिंग माई फोन टू दिस चार्जर। यहाँ पे माउंट हो गया एंड नाउ आई हैव कनेक्टेड दिस चार्जिंग वायर टू द फोन चार्जिंग पोर्ट और ये यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। यू कैन सी द करंटली स्विच इज ऑफ, दैट्स वाई इट्स चार्जिंग इज नॉट स्टार्टेड। इवन द इग्निशन इज ऑफ जस्ट आई सेड इन स्टार्टिंग दिस वीडियो। अब यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया कनेक्शन एंड नाउ यू कैन सी इट्स चार्जिंग। Now you can see it's showing as a charging. That mean our mission is successful. That mean we have installed the charger successfully. Now यहाँ से मैं maps जो भी चीज़ देख सकता हूँ यहाँ से। But as I said, I'm not going to mount the phone on this phone holder. I'm going to use it for my tank bag. So for charging purpose, I'm going to take the connection from here. So whenever I want, I can remove this cable from here and remove this phone holder from here and take it away. Cool. So friend, that's it in this video. Pura installation process aapko dikha dena tha. This is only for my upcoming big ride, not for regular purpose. Let me clear that. Mujhe pata hai comments aa jayenge, bhai aise directly connection mat karo, you should install a fuse or switch in between that. But believe me, it's only for 1 week. You guys will know what is this next week all about. It is my big ride, which is I will update in next video. If you guys like this video, don't forget to hit that like button, share with your friend or any of the forum. And if you haven't subscribed to my channel, then I will request you, please do subscribe. So usse hum aur motivated ho jayenge aise beautiful video aapke liye banane ke liye. So this is Sagar signing off. Bye bye.